शिवम दुबे का विकेट सेलिब्रेट करना पड़ा विराट कोहली को महंगा। बीसीसीआई ने लगाया इतने रुपए का जुर्माना। विराट के लिए रहा सोमवार का दिन सबसे ज्यादा भारी। पहले हारी उनकी टीम, फिर बीसीसीआई ने लगाया जुर्माना। तो अब क्या करेंगे विराट कोहली, बताएंगे आपको इस वीडियो में। देखते रहिए क्रिकेट इन इंडिया। दोस्तों दरअसल बात ऐसा है कि जब मैच की पहली पारी चल रही थी और सीएसके के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, तब आरसीबी की टीम प्रेशर में थी और सारे खिलाड़ियों का भी मनोबल गिरा हुआ था, जिसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि सीएसके के सारे बल्लेबाज आरसीबी की गेंदबाजों की जमकर धुलाई कर रहे थे। और इसमें सबसे प्राथमिकता से जो बल्लेबाज धुलाई कर रहे थे उनका नाम था शिवम दुबे और डिवोन कॉनवे। दोनों के बल्ले से रन नहीं बल्कि वो आग बरसा रहे थे। जब शिवम दुबे का विकेट गिरा तो विराट कोहली अपने चेहरे पर परिचित अंदाज में सेलिब्रेट करते नजर आए। सेलिब्रेट करने के दौरान ही विराट कोहली ने कुछ ऐसा कह दिया कि उन पर बीसीसीआई का चाबुक चल गया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि लगातार मैचों में हो रहे अपशब्दों का उपयोग को लेकर बीसीसीआई अब सख्त हो चली है। ऐसे में जब आज मैच के दौरान शिवम दुबे के रूप में सीएसके का विकेट गिरा तो बाउंड्री पर विराट कोहली सेलिब्रेट कर रहे थे और उनके भी मुंह से कुछ अपशब्द निकले, जिस पर बीसीसीआई की नजर पड़ी और उन्होंने इस पर एक्शन भी लिया। एक्शन लेते हुए बीसीसीआई ने विराट कोहली को एक नोटिस थमाया है, जिसमें ये लिखा है कि आपको शिवम दुबे के विकेट के दौरान किए गए सेलिब्रेशन में अपशब्द के इस्तेमाल के लिए मैच फीस का 10% जुर्माना लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब कोहली ने किसी विपक्षी खिलाड़ी के विकेट मिलने पर इस तरह का सेलिब्रेशन किया हो। ऐसा पहले भी देखा गया है कि जब कोई अपोनेंट प्लेयर आउट होता है तो कोहली एक जबरदस्त सेलिब्रेशन करते हैं, जिसमें कई बार उनके मुंह से अपशब्द भी निकलता है। उनका एक अपशब्द जो कि सोशल मीडिया पर मशहूर है वो है बेन स्टोक, जिसको लेकर कई बार विराट कोहली को ट्रोल भी किया जा चुका है। मगर कोहली अपने सेलिब्रेशन के तरीके में कोई भी बदलाव लेकर नहीं आए हैं और ऐसे में जब आज बीसीसीआई ने उनको जुर्माना किया तो एक बार फिर उनके सेलिब्रेशन करने के स्टाइल पर सवाल उठने लगा है। वहीं इसको लेकर फैंस के बीच में दो धाराएं बन चुकी हैं। एक समूह इस फाइन का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं दूसरा धड़ वो है जो इस फाइन का विरोध करते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कोहली अगले मैच से क्या इस तरह का सेलिब्रेशन करते हैं या फिर नहीं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, विराट कोहली को फाइन होना चाहिए था या नहीं, हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।